नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं टेक ए टू जेड। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रिव्यू जूक के रॉकर रैप्स ईयरफोन्स की, जो कि एक इन ईयर ईयरफोन है। और मैंने इसे करीब एक महीने पहले करीब 600 रुपये में स्नैपडील से मंगाया था। और एक महीने यूज करने के बाद आज मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह का ईयरफोन है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हालांकि मैंने इसे खोल के टेस्ट किया है, पर आपको दिखाने के लिए कि इसकी पैकिंग कैसी होती है, मैंने इसे फिर से पैक कर दिया। तो आप देख सकते हैं सामने इसकी ब्रांडिंग वगैरह है और यहाँ पीछे स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं। ड्राइवर 10 mm का, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड 20 Hz से 20 kHz, और यहाँ पर लिखा है जैक 3.5 गोल्ड प्लेटेड माल फंक्शन बटन विथ माइक कंट्रोल। और यहाँ पे लिखा है बॉक्स में एक ZM रॉकर रैप है और 1 ईयर वरी फ्री वारंटी कार्ड। इस तरफ लेवलिंग है और इस पे लिखी हुई प्राइस, इसकी MRP 1299 रुपये, यानी कि 1300 रुपये। पर ये मुझे 600 मिला और अभी भी ये 550 से 600 के बीच में उपलब्ध है। तो इसे खोलते हैं, इसे यहाँ से स्लाइड किया जाता है। ये है मेन बॉक्स, इसे खोलने पे ये इस तरह से इसमें लगा हुआ रहता है। तो निकालते हैं ईयरफोन को, इसको एक तरफ रखते हैं। और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ईयर कैप्स, इसमें मीडियम साइज का साथ में लगा हुआ आता है और साथ में आपको एक लार्ज सेट और एक स्मॉल सेट मिलता है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे लगा सकते हैं। और इसमें आपको अंदर एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, यहाँ पे जूक वारंटी कार्ड, यहाँ पे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। और इस पे लिखा है कि अगर आप इसको जूक की वेबसाइट पे रजिस्टर कर देंगे तो 1 महीने आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है वारंटी क्लेम करने का तरीका भी। तो चलिए हेडफोन्स को देखते हैं। तो ये है आपका हेडफोन, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं, हालांकि प्लास्टिक ही है पर ये बहुत टफ प्लास्टिक है और काफ़ी शाइनिंग है, इसकी शाइन गई नहीं। मैंने 1 महीने इसको बहुत यूज किया, जिम में भी जाता था पहन के और दौड़ता खेलता भी था पहन के इसको, पर इसकी शाइन आप देख सकते हैं बहुत अच्छी अभी भी बनी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके वायर्स, आप देखेंगे ये एक सिंथेटिक मटेरियल, ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा धागा लपेटा हुआ है, पर ये कोई और ही मटेरियल है और ये बहुत अच्छा मटेरियल है। और इसमें यहाँ पे आपको होल दिया हुआ है, ये 3.5 mm जैक की तरह है, जिसमें ये जैक बहुत आसानी से चला जाता है। इस तरह से आप इसे अपनी कलाई में लपेट सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, इस तरह आप इसे लपेट सकते हैं। इस तरह तो ये स्टाइलिंग के भी काम आएगा इस तरह से मैं ट्रेवल करते समय। और का वायर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, किसी भी सामान के साथ या कहीं रख सकते हैं, इसके वायर्स ख़राब नहीं होंगे। और इस बटन के ऊपर के वायर है वो भी इस तरह के तो नहीं, पर काफ़ी अच्छे वायर्स हैं, लगता है जैसे कपड़े की कोटिंग चढ़ाई हुई ऊपर। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड और डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और इसमें स्टाइलिंग भी है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की। तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स दोनों बहुत अच्छे सुनाई देते हैं और एक सिंक्रोनाइज्ड साउंड रहता है। आपको जैसे अगर आप सिनहीज़र का CX180 खरीदेंगे, जो कि बहुत पॉपुलर है 1000 रुपये के नीचे के हेडफोन्स में, तो उसमें आपको बेस बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उसमें
बहुत ज़्यादा रहता है, पर उसमें ट्रेबल बहुत कम रहता है, हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड बहुत कम सुनाई देता है, सिर्फ धक धक जैसे बेस सुनाई देता है। JBL का T100 है तो उसमें आपको हाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा अच्छी सुनाई देती है और बेस उसमें कम है, पर इसमें काफ़ी सिंक्ड साउंड है और ये लोज़ और हाईज दोनों को बहुत अच्छा अब तक डिलीवर करता है। तीसरी बात, इसमें ये माइक दिया गया है, देख सकते हैं दो माइक्स हैं, ये माइक है, दूसरा शायद नॉइज़ कैंसलेशन माइक है। तो ये माइक भी काफ़ी अच्छा काम करता है, आपको बात करके देखा है पीछे का साउंड्स बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देते उस तरफ, तो ये काफ़ी अच्छा माइक है और इससे वॉइस काफ़ी क्लियर जाती है। और यहाँ पे बटन दी हुई है यहाँ पे ये कॉल्स को एंड करने के लिए, कॉल करने के लिए, और म्यूज़िक को पॉज और प्ले करने के लिए भी ये है। और इसके अलावा कोई सॉन्ग आप सुन रहे हैं और अगले सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो इसे दो बार जल्दी जल्दी दबाएंगे तो ये अगले सॉन्ग पर चली जाएगी, तो ये मल्टी फंक्शनल बटन है। और ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इसका है, साउंड डिलीवरी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। इसका ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड काफ़ी अच्छा है सिवाय दो चीज़ों के, हालांकि वो मेजर कॉन्स नहीं है, इससे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आई, कोई परेशानी नहीं हुई म्यूज़िक सुनने में, कभी कोई रुकावट नहीं आई या कोई किसी भी फंक्शन में रुकावट नहीं आई। पर आप यहाँ देखेंगे ये हेडफोन जैक के पास, ये अंदर ये एडहेसिव मटेरियल है, इसी चीज़ ये जो सफ़ेद चीज़ आपको दिख रही है शायद इसी से ये चिपकाया गया था, पर ये अलग हो गई है और प्लास्टिक ऊपर का अलग हो गया है। हालांकि इससे कुछ बिगड़ा नहीं, पर ये अच्छी बात नहीं है और इसे इस तरह से नहीं होना चाहिए था, पर इसे आप खुद ही चिपका के चला सकते हैं काम, इसमें कोई भी चिपकाने वाली चीज़ चाहे फेविक्विक या साधारण गोद भी डालेंगे तो भी ये चिपक जाएगा। और मैंने इसे चिपकाया था पर आपको दिखाने के लिए उखाड़ दिया फिर से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि ये बहुत दिन तक इसी तरह था पर इससे कोई समस्या नहीं आई, ये बिगड़ा नहीं। और दूसरी चीज़ ये मॉड्यूल है, एक बार मैं गलती से इस पर एक बार क्या कई बार बैठ गया, तो एक बार जब मैं बैठ के उठा और इस ईयरफोन को उठाया तो मैंने देखा कि ये इस तरह से निकल गया, देखेंगे आप अंदर इसके सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो हालांकि इसमें कुछ बिगड़ता नहीं, पर आपको इतना करना होगा कि कोई वायर बाहर ना रहे और इसमें आप फिर से इसे लगा दें, ये इस तरह से, इसके बाद ये पूरा काम करता है, इसकी बटन्स काम करती हैं, सब कुछ काम करता है। और इस पे आप ऊपर से कोई टेप वगैरह चिपका दें, ब्लैक टेप जो इलेक्ट्रिक टेप आता है ला वाला, उसे आप इस पे चिपका सकते हैं, ये बहुत अच्छा चलेगा। और मैं कहूँगा आप इस पे इस तरह से दबाव मत डालिए कभी, इस तरह से बैठिए मत कभी इस पे आप, और के लिए तो बना नहीं है लेकिन फिर भी इसे मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह एक्सीडेंटली हो जाता है, लोग कभी बैठ जाते हैं या कोई चीज़ भारी चीज़ रख देते हैं उस पे, तो इसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए थी। दो चीज़ों को छोड़ के बाकी इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, इसमें स्टाइलिंग अच्छी दी गई है, आप इसे रिस्ट पे लपेट सकते हैं, और बाकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, बस यहाँ तक कि पैकिंग भी बहुत अच्छी दी गई थी। पर चूज़ करना है, हालांकि आपको बजट ईयरफोन्स में इतनी अच्छी बिल्ड तो किसी भी में नहीं मिलती, चाहे वो JBL का हो या सिनेजर का हो, कोई भी हो, पर बताऊँ कि इतना तो होना चाहिए था कि इस तरह से ये खुल ना जाए। बात है कि इसके जैसा साउंड क्वालिटी भी कोई नहीं देता, और मैं कुछ दिन बाद आपके लिए कंपैरिजन लेके आऊँगा, हालांकि पर आपको सिनहीज़र के CX120 में जो कि बहुत पॉपुलर है इस रेंज में, उसमें आपको माइक ही नहीं मिलता, और JBL में आपको माइक मिलता है पर बेस उतना अच्छा नहीं मिलता, तो इस तरह से ये काफ़ी बैलेंस साउंड देता है और कॉल क्वालिटी इससे काफ़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और हालांकि मैं ये नहीं कहता कि और जो आते हैं ईयरफोन्स वो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी जिस तरह इसमें आई, अगर आप उस पर बैठेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है उसमें भी आएगी,
जॉन से ख़रीद सकते हैं इसमें, ये अमेज़ॉन पर 581 रुपये मिलता है। और मैं स्नैपडील तो बहुत नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसमें कस्टमर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है स्नैपडील में आपको, और अमेज़ॉन में कस्टमर सर्विस बाकी ई कॉमर्स साइट्स के मुकाबले काफ़ी अच्छी है। तो आपको बहुत अच्छी डील स्नैपडील पर ना मिले तो आप अमेज़ॉन से ही ख़रीदें। और बहुत अच्छी मतलब अगर अमेज़ॉन पे आपको 581 रुपये में इस समय जैसे मिल रहा है और स्नैपडील पे 450 रुपये में मिले तो आप स्नैपडील से ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी अंतर है दाम में। पर अगर आपको 20-30 रुपये का फ़र्क दिखे तो आप अमेज़ॉन से ही लीजिए क्योंकि उसमें कस्टमर सर्विस काफ़ी अच्छी है। कोई से ख़रीदना होगा तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर जाके ख़रीद लीजिएगा। और मैं आपको अगर ईयरबड्स बदलने हो तो यहाँ से खींचिए और इसे भी खींचिए निकाल। और एक बात, आप किसी भी ईयरफोन में अगर ईयरबड्स बदलें तो ध्यान रखिएगा कि खासकर जो लो प्राइस ईयरफोन्स होते हैं, ये जो फिल्टर लगा होता है इस तरह से, ये मेटल का होता है जाली की तरह, अच्छे से चिपका हुआ नहीं रहता और ईयर कैप्स को बेतरतीब लगाने या निकालने से निकल भी जाता है। और ये निकल जाता है तो धूल मिट्टी या कोई भी चीज़ अंदर पहुंच जाती है आराम से, तो इसे आप मत निकलने दीजिएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ निकालना, मैंने दिखा दिया। अगर आपको लगाना हो तो आप बाहर निकालिए और फिर इसके ऊपर रख के प्रेस कर दीजिए और ये अंदर चला जाएगा। दूसरा भी, इसके ऊपर रख के प्रेस कर दीजिए। इस जू के रॉकर रैप ईयरफोन्स का तो ये कम प्राइस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सिर्फ 581 रुपये में है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको ख़रीदना हो। और अगर आपको इसे ख़रीदना हो तो लिंक्स जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं और चैनल की भी कुछ मदद हो जाएगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आपको क्यों नहीं पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल सुझाव या विचार हो तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहें A to Z।